ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है मित्रों इस चैनल पर प्रसारित दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान में हमने भारत में इस्लाम के प्रवेश से लेकर ईस्वी 1526 में बाबर द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंत किए जाने तक के इतिहास की चर्चा की थी आज से आरंभ हो रहे बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक में हम मुगलों के भारत में प्रवेश करने से लेकर मुगल बादशाह शाहजहां तक के इतिहास की चर्चा करेंगे शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाए जाने से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक की कालावधि के इतिहास की चर्चा हम इस चैनल पर लाल किले की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक में कर चुके हैं इस प्रकार इन तीनों धारावाहिकों में भारत के मध्यकालीन इतिहास की चर्चा पूर्ण हो जाएगी क्योंकि मुगलों का उद्भव तुर्कों एवं मंगोलों के रक्त मिश्रण से हुआ था इसलिए मुगलों के इतिहास में जाने से पहले हमें तुर्कों एवं मंगोलों के इतिहास में झांकना होगा पहली दो कड़ियों में हम तुर्कों के उद्भव की चर्चा करेंगे भारतीय पौराणिक साहित्य के अनुसार तुर्कों का इतिहास महाराज ययाति के पुत्रों से आरंभ होता है इसलिए हमें भारतीय पुराणों में वर्णित महाराज ययाति के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी चाहिए हिंदुओं में मान्यता है कि चंद्रवंशी राजा ययाति के बेटे तुरु के वंशज आगे चलकर तुर्क कहलाए कई पुराणों में राजा ययाति की कथा मिलती है इस कथा का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है जिसके अनुसार राजा ययाति का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के दहेज में गई थी किंतु महाराज ययाति ने न केवल देवयानी से संतानें उत्पन्न की अपितु तो उसकी दासी शर्मिष्ठा से भी कुछ संतानें उत्पन्न की जब यह बात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पता चली तो देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से अपने पति राजा ययाति की शिकायत की दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कुपित होकर राजा ययाति को शाप दिया जिससे राजा का यौवन नष्ट हो गया और असमय ही बुढ़ापा आ गया राजा ययाति असमय बूढ़ा नहीं होना चाहता था शापग्रस्त राजा अत्यंत दुखी होकर अपने महल में लौट आया उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। यह अयाचित अनपेक्षित और आकस्मिक विपत्ति थी उसने देवयानी के बड़े पुत्र यदु को अपने पास बुलाया और अपने शाप की पूरी कहानी बताकर कहा देखो मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूं किंतु भोग विलास की मेरी लालसा अभी मिटी नहीं है तुम मेरे बड़े बेटे हो मेरी इच्छा को पूरा करना तुम्हारा धर्म है मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपना यौवन मुझे दे दो जब भोग विलास से मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा राजकुमार यदु ने अपने पिता की बात सुनकर उसका तिरस्कार करते हुए कहा पिताजी बुढ़ापा किसी भी तरह से अच्छा नहीं है सुंदर स्त्रियां बूढ़े आदमी का तिरस्कार करती हैं इसलिए मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता राजा ययाति अपने पुत्र के जवाब को सुनकर कुपित हो गया उसने कहा तू मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है फिर भी अपना यौवन मुझे नहीं देता मैं तुझे और तेरी संतान को राज्य के अधिकार से वंचित करता हूँ बड़े पुत्र यदु से निराश होकर राजा ययाति या ने देवयानी के दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाया तुर्वसु ने भी पिता की बात मानने से मना कर दिया राजा फिर कुपित हुआ उसने तुर्वसु को शाप दिया पिता का तिरस्कार करने वाले दुष्ट जा मांसभूजी दुराचारी और वन संकर मिलेच्छ हो जा देवयानी के पुत्रों के बाद शर्मिष्ठा के पुत्रों की बारी आई शर्मिष्ठा के दोनों बड़े पुत्रों ध्रयू और अनु ने भी पिता को अपना यौवन देने से मना कर दिया राजा ने उन्हें भी भयानक श्राप दिए शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु ने पिता की इच्छा जानकर कहा पिताजी आप मेरा यौवन ले लें राजा प्रसन्न हुआ उसने पुरु का यौवन लेकर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया राजा के शेष पुत्र राजा को त्याग कर चले गए कहते हैं राजा ययाति के श्राप से तुरवसु की संतानें यवन हुईं। उसके वंशज धरती पर दूर दूर तक फैल गए जो तुर्कों के नाम से जाने गए ययाति के पुत्र अनु से म्ले उत्पन्न हुए कुछ पुराणों के अनुसार राजा याति के पुत्र अनु से अभोज्य भोजन करने वाली प्रजा उत्पन्न हुई वे लोग कुत्ते बिल्ली सांप आदि का मांस खाते थे कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि अनु के वंशज ही इतिहास में हुंगनु अथवा हुन कहलाए ये लोग भी तुरुओं की भांति चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार चीन के उत्तर में स्थित मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में कई बर्बर -बर जातियां निवास करती थीं। इन बर्बर -बर जातियों का प्रसार पश्चिमी भाग में फैली सीक्यांग पर्वतमाला तक था मंगोलिया के गोबी प्रदेश में यूची नामक एक प्राचीन जाति निवास करती थी इसके पड़ोस में अत्यंत बर्बर और भयानक लड़ाका जाति रहती थी जिन्हें हूण कहा जाता था पश्चिमी इतिहासकारों की मान्यता है कि तुर्कों के पूर्वज यही हूण थे जिनका मूल नाम हुनू था मूल रूप से यह एक चीनी जाति थी ये लोग देखने में गोरे और सुंदर चेहरे वाले थे किंतु स्वभाव से अत्यंत बर्बर आक्रमणकारी और हिंसक प्रवृत्ति वाले थे इनकी खूनी ताकत का मुकाबला संसार की कोई दूसरी जाति नहीं कर सकती थी चीन की भौगोलिक बनावट उसे दो भागों में बांटती है मुख्य प्रदेश तथा बाहरी प्रदेश जहां चीन के मुख्य प्रदेश में सभ्यता का तेजी से विकास हुआ और उसने विश्व को सर्वप्रथम कागज छापाखाना पहिए वाली गाड़ी बारूद क्रॉसबो दिशा सूचक यंत्र और चीनी मिट्टी के बर्तन दिए वहीं चीन के बाहरी इलाकों में रहने वाली बरबर जातियां कई सौ सालों तक असभ्य बनी रहीं। ईसा से 400 साल पहले भीतरी चीन में चव राजवंश अपने चरम पर था और अगले 100 साल में उसका सामंती शासन पूरी तरह समाप्त हो गया इसके बाद चीन के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हान राजवंश के नेतृत्व में चीन के एकीकरण का काम पूरा हो गया और चीन सभ्यता के नवीन विकास की ओर बढ़ गया यह सब भारत से गए बौद्ध धर्म के कारण संभव हुआ किंतु बाहरी चीन इन सब प्रभावों और परिवर्तनों से भी बिल्कुल अछूता रहा जिसके कारण होड़जाति नितान्त असभ्य और बरबर बर बनी रही संभवतः राजा याति के श्राप के कारण वे अब तक मलिन और हिंसक बने हुए थे ईसा पूर्व एक से ईसा पूर्व 160 तक लाओ शंग लाहौशंगणों का राजा हुआ लाओ शंग बर्बरता की जीती जागती मिसाल था एक बार उसने यूची जाति पर आक्रमण कर दिया यूची लोगों ने हुणों का सामना किया किंतु शीघ्र ही यूचियों के पैर उखड़ गए लाओ शंग ने यूची राजा को मार डाला तथा उसकी खोपड़ी निकलवाकर अपने महल में ले गया उसके बाद लाओ शंग ने जीवन भर उसी खोपड़ी में पानी पिया अगली कड़ी में देखिए नुकीली टोपी वाले हुणों का एक कबीला तुर्क कहलाने लगा कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद